नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी। मैं आज आप लोगों के पाठ्यक्रम के अंदर निर्धारित 7A में गद्य शिक्षण की विधि कौन कौन सी है इसकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिए आप लोग बच्चों। जैसा कि कोई भी शिक्षण के लिए कोई न कोई विधि होती है, तो हम लोग हिंदी शिक्षण के अंतर्गत गद्य पद्य व्याकरण कहानियाँ उपन्यास आदि के शिक्षण करते हैं। तो आज हम गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि प्रथम जो इसकी विधि है, इसमें हम प्रस्तावना विधि की बात करते हैं। तो प्रस्तावना से तात्पर्य ये होता है कि बालक हमारे विद्यालय में जिस कक्षा में प्रवेश लिया है, उस कक्षा से पूर्व जिस कक्षा में अध्ययन करके आया है, वह कुछ न कुछ उस विषय के बारे में जानता है। तो हम उन बच्चों से प्रस्तावना के माध्यम से, पूर्व ज्ञान आधारित के माध्यम से उन बच्चों से कुछ प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करने के बाद उनको हम वो आज के जो प्रकरण है, टॉपिक है, उससे हम परिचित करा देते हैं। तो प्रस्तावना में यही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न करके बच्चों को उस प्रकरण से परिचित करा देते हैं। अब दूसरा इसमें विधि आती है वाचन विधि। तो वाचन विधि से तात्पर्य है कि उद्देश्य कथन के बाद अध्यापक को उचित अवरोह आरोह अवरोह के द्वारा शुद्ध उच्चारण सहित विराम चिन्ह के साथ आदर्श वाचन करना चाहिए। आदर्श वाचन करने के साथ बच्चों से अनुकरण वाचन करवाएं, और शेष बच्चे जो है उस पुस्तक को मौन वाचन के रूप में करते रहें। समस्त छात्र मौन रूप से वाचन उस समय तक करें जब तक कठिन शब्दों की व्याख्या न हो जाए। तो कठिन शब्दों की व्याख्या से तात्पर्य यहाँ पर ये हो रहा है, ये भी एक विधि है शिक्षण के माध्यम के लिए। क्योंकि कठिन निवारण में ये होता है कि जब बालक अनुकरण वाचन कर रहा है, तो उस समय हम कठिन शब्दों को ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर लिखते चलें और उसको स्पष्ट करते चलें। ये जो विधि जो है माध्यमिक और प्राथमिक कक्षाओं में कठिन शब्दों का अर्थ के लिए उपयुक्त होता है। जैसे हम चित्र दिखाकर कठिन शब्दों को अर्थ को समझा सकते हैं। चित्र दिखाकर जैसे पंकज शब्द को बताना है, तो पंकज के लिए किसी फूल, कमल के फूल को हम दिखाएं और उसको बताएं। सर चाप के बारे में बताना है, तो धनुष बाण के बारे में चर्चा करें। इस प्रकार से और भी अगर मॉडल दिखाकर हम करते हैं, जैसे जनता का मॉडल हो गया, ताजमहल का मॉडल हो गया, लोरा का मॉडल हो गया। और एक और महत्वपूर्ण इसमें विधि आता है कठिन निवारण के अंतर्गत, कि रेखा चित्र के द्वारा जैसे सैंपल पर अध्यापक चाहे तो रेखाचित्र बना कर उसको अच्छी प्रकार से बता सकता है। इसके साथ साथ हम और भी जो है विधि जो है इसमें चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी आपकी विधियां हैं। तो उसमें और भी विधि आ रही है, जैसे मानचित्र के द्वारा। मानचित्र के द्वारा क्या होता है कि जैसे हम मानचित्र सामने रखे हुए हैं, तो कौशल राज्य हो गया, मगध राज्य हो गया आदि शब्दों को समझाते हुए मानचित्र का आश्रय हम ले सकते हैं। उसी प्रकार जो है प्रत्यक्ष पदार्थ द्वारा, जैसे प्रत्यक्ष पदार्थ द्वारा जैसे हो कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम बच्चों को सामने एकदम साक्षात रख के उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, कठिन निवारण के द्वारा हम समझा सकते हैं। जैसे गाय पर निबंध लिखना है, तो गाय पर निबंध लिखने के लिए पालतू जानवर है, तुम गाय को तो विद्यालय में ला नहीं सकते हैं, इसीलिए गाय का दूर से बच्चों को दिखा के, अगर गाय वहाँ पर आसपास चल रही है तो उसको हम दिखा के उसको हम उस पर हम विधि के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। संकेत के द्वारा जैसे शीश है, हस्त है आदि शब्दों का अर्थ जो है संकेत के द्वारा बताया सकता है। और अभिनय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण हिंदी में माना जाता है अभिनय में क्या है कि पधारना, निष्कासन आदि तत्शब्द उनका द्वारा भी समझा जा सकता है। इसके साथ साथ विलोम कथन, जैसे कुछ शब्द विलोम होते हैं, तो विलोम को हम उनको अर्थ समझाने के लिए छोटे छोटे शब्दों का सहारा ले सकते हैं। इसी प्रकार संधि विच्छेद विधि है,
जिसमें अत्यधिक इत्यादि शब्दों को समझाने के लिए संध विच्छेद का वर्णन हम कर सकते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह से तात्पर्य है कि समास विग्रह करके इसे दशानन शब्द आ गया, तो उसमें हम समास के बारे में बच्चों को पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो समास के बारे में समास विग्रह विधि से जो है बच्चों को दशानन शब्द के कठिन निवारण कर सकते हैं। राजपुरुष जो है समास पद है तो उसको भी हम कठिन निवारण कर सकते हैं। इसी प्रकार शब्द विश्लेषण है, तो शब्द विश्लेषण भी विभिन्न अर्थ एक शब्द के आ रहे हैं, जैसे खाना पीना धूम्रपान, इस सब के बारे में बताना है, तो बालक को जो है हम इन विधि के द्वारा, शब्द विश्लेषण विधि के द्वारा हम बच्चों को समझा सकते हैं। अर्थ कथन जैसे एक आ गया, तो अर्थ कथन से तात्पर्य है कि कभी कभी किसी युक्ति का आश्रय न लेकर सीधे अर्थ बताए जाते हैं, जैसे कोशिश है, प्रयत्न है, तो प्रयत्न को बच्चा थोड़ा सा कठिन लगेगा तो उसको हम तुरंत कोशिश कह देंगे, तो कोशिश जो है बच्चा तुरंत कोशिश को समझ लेता है। ठीक, तो अर्थ कथन विधि भी बहुत सही होती है हिंदीगत शिक्षण के लिए। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग जैसे मूर्छिता शब्द है, तो मूर्छिता शब्द बनाने के लिए वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं कि लक्ष्मण जो है मेघनाथ के बाणों से मूर्छित हो गए थे, तो वहाँ बच्चा तुरंत जो है समझ जाएगा कि मूर्छित शब्द किस लिए प्रयोग किया जा रहा है। व्याख्या विधि एक है, व्याख्या में से है न्याय है, पीड़ित है, समाज आदि के शब्द को जो है हम अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं। इस प्रकार विश्लेषण विधि भी है, कि विश्लेषण में क्या होता है कि हम अंत में पढ़ाते समय पूरा पाठ का एक बार विश्लेषण कर देते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे प्रश्नों को रखते हैं, तो विचार विश्लेषण के पश्चात पुनः अध्यापक जो है आदर्श वाचन छात्रों द्वारा स्वस्थ वाचन कर लेता है, तो गद्य शिक्षण की विधि जो है बहुत सही प्रकार से विकसित की जा सकती है। धन्यवाद।